आंवला तेल में सिर्फ दो चीज़ें मिलाकर अगर आपने अपने बालों में लगा लिया तो कसम से आपके बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि डॉक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने बालों को काला, लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आंवला तेल में सिर्फ दो चीज़ें मिलाकर लगा लीजिए, जिससे ये तेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही थिक तरीके से बढ़ाएगा, बालों का झड़ना रोक का। साथ ही अगर आप अपने ग्रे या सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो ये आपके बालों को इतना काला और चमकदार बना देगा कि 70 साल की उम्र तक आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। साथ ही अगर आपको अपने बालों में थिकनेस चाहिए, बालों में वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं तो इस तेल से बेहतर और फास्ट रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि बात आपके बालों की है तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा समय तो आप निकाल ही सकते हैं अपने बालों के लिए, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर ही लोग बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जबकि हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बालों की एक नहीं कई प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करती हैं। उन्हीं में से एक है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लीफ ले ली है, जिसको धोकर साफ़ कर लिया है और जो इसके साइड वाले कांटे हैं कांटों को आपको हटा लेना है और इसको आपको किसी भी शेप में इस तरीके से काट लेना है। दोस्तों, एलोवेरा में विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो बालों को टूटने से बचाने, मजबूती बढ़ाने और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इससे बालों की चमक लौटेगी, बाल मोटे घने बनेंगे, इसके इस्तेमाल से खुजली, जलन आदि समस्या भी दूर होगी, बाल हेल्दी बनेंगे, उनका ग्रोथ तेज़ होगा और बाल कमर तक लंबे होंगे और यह ऑयली बालों की समस्या को भी ठीक करता है और सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। ये हेयर फॉल को रोकता है और बालों को रिपेयर करने का काम भी करता है। इसमें फैटी एसिड और अमीनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी 12, सी और ई से भरपूर होता है। तो इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एलोवेरा को इस तरीके से काट लिया है। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेना है और इस जार के अंदर आपको यहाँ पर कटे हुए एलोवेरा लीफ को ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स लेना है, जो है यहाँ पर आंवला। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश और ताज़े आंवला यहाँ पर लेने हैं। अभी मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे फ्रेश आंवले मिल जाएंगे, ताज़े ताज़े, जिसका इस्तेमाल आपको इस रेमेडी में करना है। दोस्तों, आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तो मैंने यहाँ पर दो आंवले को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर काट लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से इसमें आपको काट लेना है। दोस्तों, बालों की ग्रोथ के लिए आंवला बेहद फ़ायदेमंद होता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी, खनिज पदार्थ और फाइनो न्यूट्रिएंट्स बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आंवले में विटामिन सी के साथ विटामिन ई भी मौजूद होता है, जो बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ भरपूर पोषण भी देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही आंवले में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं जो बालों को झड़ने से रोकते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो आपके बालों को दोबारा से काला, घना और चमकदार बनाता है और बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है। साथ ही बालों से डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, इनको बिल्कुल फाइन पेस्ट इस तरीके से इसका बना लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि एलोवेरा में और आंवले में खुद इतना पानी होता है कि आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये आराम से बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। इसको अब हम यहाँ पर साइड में करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑयल लेना है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है डाबर आंवला हेयर ऑयल। आप यहाँ पर शांति आंवला भी ले सकते हैं या फिर आप कोई अच्छे ब्रांड का आंवले का तेल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप
आप पहले से आंवले तेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे अभी तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है, तो एक बार मेरे कहने पर इस ऑयल को बनाकर यूज़ करिएगा। ये दोस्तों ये ऑयल इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपके बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही आपके बालों को इतना ज़्यादा मोटा, घना और चमकदार बना देगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको आंवले का तेल लेना है और मेज़रमेंट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कटोरी, कप या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, आपको यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर तेल बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर आंवले का तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी आंवले का तेल ले लिया है। इसी के साथ दोस्तों अब आपको यहाँ पर दूसरी कटोरी लेनी है और इस कटोरी में आपको यहाँ पर ऐड करना है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 10 रुपए वाली मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल की बॉटल ली है, जो कि आपको आपके पास वाली दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मात्र 20 रुपए खर्च करके आप इस ऑयल को आसानी से बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो कोकोनट ऑयल लेना है वो आपको दोनों ही ऑयलों को बराबर मात्रा में लेना है। जितना आपने आंवले का तेल लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आपको यहाँ पर नारियल का तेल भी यूज़ करना है। दोनों ही तेल बराबर मात्रा में लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, मोटे तले की मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। दोनों ही ऑयलों को मैंने यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। इस कढ़ाई को मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस के ऊपर और गैस का फ्लेम एकदम मैंने यहाँ पर लो रखा है। लो फ्लेम पर आपको यहाँ पर इस ऑयल को अच्छे से पकाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब बिल्कुल लो फ्लेम पर आप ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे तब आपको जो बना हुआ पेस्ट है इस पेस्ट को आपको इस ऑयल के अंदर ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को ऐड कर दिया है और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आपको इस ऑयल को अच्छे से पकाना है और ध्यान देना है कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे, ये ऑयल जो है अच्छे से पक पाए। जितना अच्छे से आप इस ऑयल को पकाएंगे दोस्तों उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका जो ऑयल है वो चलता रहेगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ऑयल को, आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो जो आंवला तेल और नारियल तेल की गुडनेस है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी, तो हमें उसकी गुडनेस भी अपने बालों को देनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 20 मिनट मुझे इस ऑयल को बनाने में लग चुका है और 20 मिनट के बाद दोस्तों इसमें जितने भी झाग बन रहे थे झाग बनना ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, ये ऑयल बिल्कुल से मतलब अच्छे से पक चुका है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करना है और अब आपको इस ऑयल को अच्छे से छान लेना है। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतला सा कपड़ा ले लिया है, आप छन्नी से छान सकते हैं या कोई भी आप यहाँ पर पतले कपड़े से भी इस ऑयल को अच्छे से छान सकते हैं। इस तरीके से आपको इस ऑयल को अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें जितना भी ऑयल होगा सारा ऑयल आपका निकल आएगा। बढ़िया तरीके से आप इस ऑयल को पका लीजिए बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर। अब दोस्तों ये ऑयल जो है ये हमारा ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेयर ग्रोथ बन चुका है। जो आप पहले नॉर्मल सा अपने बालों पर ऑयल यूज़ करते थे जिससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था, अब आप इस ऑयल को यूज़ करके देखिएगा दोस्तों, इतने फास्ट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे कि आप खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। इसको लगाने के लिए मेरे पास एक बॉटल है, तो इस बॉटल में मैंने इस ऑयल को भर लिया है क्योंकि इसे लगाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ सबसे पहले मैं अपने बालों पर कॉम करती हूँ, तो इसी तरीके से आपको अपने बालों पर कॉम करना है और बालों को सबसे पहले अच्छे से सुलझा लेना है और बालों को सुलझाने के बाद अब आप इस ऑयल से अपने बालों की मसाज करिए। और दोस्तों आपको इस ऑयल को रात को सोने से पहले अपने बालों पर अप्लाई करना है, इससे आपके बाल बाहरी धूप धूल मिट्टी से बच जाते हैं और नेक्स्ट सुबह होकर आपको अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है। तो आपको यहाँ पर ऑयल को किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले आप इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाइए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका गंजापन नज़र आ रहा है या बाल बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं पतले हो गए हैं, तो इस ऑयल को वहाँ पर अच्छे से डालिए। ये ऑयल जाते ही आपके बालों की जड़ों पर लग जाता है और इसको आपको अपने बालों की जड़ों पर
लगाने के अलावा बालों की पूरी लेंथ पर भी लगाना है। जो आपके डैमेज हेयर होंगे वो इससे रिपेयर होंगे। साथ ही आपके जो ड्राई बाल हैं, बहुत ही रूखे बेजान हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बाल बहुत ही ज़्यादा चमकदार और मुलायम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस ऑयल को हल्के हल्के हाथों से लगाइए, पूरे बालों की जड़ों पर लगाइए और मसाज कर लीजिए। और मसाज करने के बाद बालों को खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बालों की आपको यहाँ पर चोटी बनानी है। चोटी बनाकर आपको पूरी रात ऐसे ही बालों पर ऑयल को लगाकर छोड़ देना है। नेक्स्ट सुबह होकर बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको इस ऑयल का इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार अपने बालों पर ज़रूर करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे, काले, घने, मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके बाल ग्रे या सफ़ेद हो गए हैं या गंजापन नज़र आने लगा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। लॉन्ग टाइम तक आपको इस ऑयल को अपने बालों पर इस्तेमाल करते रहना है, जिससे आपके वाइट हेयर की प्रॉब्लम होगी और न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इसको कंटिन्यू यूज़ करिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीका है बालों को लंबा करने का। तो इस तरीके से आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने ज़्यादा मुलायम और चमकदार हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बालों को ऐसे ही लंबा, काला, घना बनाना तो इस ऑयल को बनाकर ज़रूर यूज़ करिएगा। 100% आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। इस ऑयल का इस्तेमाल लड़के, लड़कियाँ सभी लोग अपने बालों पर कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल ऑयल है, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दोस्तों। तो इस तरीके से इस ऑयल को बनाकर आप ज़रूर यूज़ करिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% आपकी कमेंट का आंसर करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के